हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। तरह से हम आपको बता रहे हैं कि प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और इसी कड़ी में सरकार की तमाम कोशिशें हैं कि प्रदेश में कोरोना के मामले थमे, लेकिन मामले थम ही नहीं रहे हैं। पानीपत में कोरोना के दो नए मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। पानीपत के धूपनगर में मां और बेटे को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बताया जा रहा कि मां अपने बेटे को बीते बुधवार को ही दिल्ली के एक मदरसे से लेकर आई हैं। इन दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और पॉजिटिव आने के बाद मां और बेटे को क्वारंटाइन किया गया है। केसेस की रिपोर्ट प्राप्त हुई है जो कि धूप सिंह कॉलोनी पानीपत सरोली रोड के रहने वाले हैं। ये दोनों माँ बेटे हैं, इनकी कल सैंपलिंग की गई थी। ये हमारे यहाँ क्वारंटाइन फैसिलिटी पे हैं, इनको आइसोलेशन वार्ड में ले लिया गया है। ये जो इसकी मदर है बच्चे की, ये दिल्ली से इसको लेके आई थी। बच्चा ये बताया गया है कि वो एक मदरसे में दिल्ली में पढ़ता था। इसकी मदर लेके आई है, कल ही इन्होंने रिपोर्ट किया था, सैंपलिंग की गई थी और ये अभी 9 बजे के लगभग इनकी रिपोर्ट आई थी, वो पॉजिटिव पाई गई है।